स्वागत बंधन। आज हम विषय हिंदी कक्षा 12वीं की अंतर्गत जो पत्र लेखन है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि आज अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन जैसे बहन की शादी है ना, मित्र को लिखना है, पिताजी की कुशलता है, माता जी की कुशलता है, या अपने मित्र को बधाई पत्र देना है, तो इस प्रकार से जो पत्र लिखे जाते हैं, तो कौन से पत्र हैं और परीक्षाओं में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, आपको आज पढ़ाते हैं। चलिए आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है अनौपचारिक पत्र लेखन। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने किस चीज का ख्याल रखे, स्वास्थ्य का भी, नियमित रूप से मतलब स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। तो जैसे दिया राहुल 17 संजय नगर 10 मार्च है ना, प्रिय रोहित स्नेह आशा है तुम स्वास्थ्य और आनंद होंगे, पूर्ण विश्वास है कि तुम पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, किंतु तुम्हारी स्वास्थ्य प्रति लापरवाही की चिंता मतलब जो लापरवाही है वो चिंता में डाल देती है। तुमको लगातार कमर में दर्द रहने लगा है, आंखों में भी चश्मा लग चुका है। प्रिय रोहित तुम रोज कम से कम क्या किया करो, 1 घंटा खेलकूद या व्यायाम के लिए निकालना। यदि आपकी इसमें रुचि नहीं है तो सुबह की सैर किया करो, किंतु मेरा अनुभव है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रही तो ना तो तुम्हें सफलता मिलेगी और ना ही पढ़ाई काम आएगी, अतः पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी आवश्यक है। आशा है तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे और रोज कोई व्यायाम किया करो। मुझे इस संबंध में बताना कि किसी चीज की आवश्यकता हो तो पत्र आवश्यक है तुम्हारा अपना रहा। दूसरा है अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें व्यायाम का महत्व बताया गया। परीक्षा भवन दिनांक 10/2/2000 मतलब जो भी आपका जो स्थान है जिस समय आप लिख रहे हैं। प्रिय मित्र शुभ सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मन को थोड़ी तकलीफ हुई कि इन दिनों तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वह कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मित्र तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, इससे शरीर के अनेक रोग स्वयं दूर हो जाते हैं। अतः प्रातःकालीन व्यायाम हमें क्या करता, ताजगी और चुस्ती से भर देता है। इससे हमारी जो मांसपेशियां हैं अधिक सक्रियता से कार्य करती हैं। तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मित्र इसलिए व्यायाम बहुत ही उपयोगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी प्रतिदिन 1 घंटा प्रातःकाल क्या किया करो, व्यायाम किया करो, इससे तुम्हें एक महीने के अंदर ही काफी फायदा दिखाई देगा। तुम्हारा उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिनंदित जो भी आपका नाम हो आपके मित्र का। इसके बाद है समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते छोटे भाई को। जैसे दिया परीक्षा भवन दिनांक जो भी आप जिस दिन आप लिख रहे हैं, प्रिय भाई शशांक शुभ आशीर्वाद, कल ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर बहुत दुख हुआ कि इस वर्ष की परीक्षा में तुम्हें बहुत कम अंक प्राप्त हुए। मुझे पता चला कि इस बार तुमने पढ़ाई में परिश्रम नहीं किया, इसलिए यह परिणाम प्राप्त हुआ। प्रिय अनु जीवन में परिश्रम बहुत महत्व है। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। परिश्रम सफलता की क्या है कुंजी है। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग बाद में पछताते हैं, परिश्रम व्यक्ति को सदैव सुपर परिणाम मिलता है। प्रिय भाई संसार का सबसे शक्तिशाली शासक है, प्रकृति के सारे क्रियाकलाप समय के अनुसार संपन्न होते हैं। अतः समय के महत्व को समझो, क्योंकि बीता हुआ समय पुनः वापिस नहीं आता और समय के सदुपयोग में भी जीवन की सार्थकता है। समय के सदुपयोग में ही सफलता का रहस्य है। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम समय के मूल को समझोगे, भविष्य में परीक्षा की तैयारी करते समय समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाओगे। और दादाजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा अग्रज जो भी नाम हो वो आपको यहाँ पर लिखना। फिर है अपने मित्र को बाद याद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र। प्रिय मित्र संजीव सप्रेम प्रणाम, रोटरी वीक के अंतर्गत हाल में ही आयोजित बाद याद प्रतियोगिता में तुम्हारे प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त हुई। यह न सिर्फ तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, अभी तुम मेरे लिए भी एक अत्यंत प्रेरणादायक क्षण। तुम्हारी जीत पर मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम तो इसी प्रकार प्रतियोगिता में प्रतिभाग करो और विजेता बनकर उभरो। उजली माता जी पिताजी को सादर चरण स्पर्श, तुम्हारा अभिनंदित राकेश कुमार, या जो भी आपका उनका नाम हो। चलिए इसके बाद
अभी यह है अपने बड़े भाई के पास 10 जनवरी जो भी समय आप लिख रहे हैं। प्रिय मित्र संतोष सहस्नेह नमस्कार। शुभ समाचार यह है कि मेरे बड़े भैया हर्ष कुमार का शुभ विवाह दिनांक 20 जनवरी को होना निश्चित हुआ। तुम तो जानते ही हो कैसे शुभ अवसर पर तुम्हारा आगमन मेरे लिए कितना सुखद और आनंददायक होगा। तुम्हें इस विवाह में कम से कम 4 दिन पूर्व जरूर आना होगा। पत्र के साथ निमंत्रण पत्र संलग्न है। तुम्हें प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होना है। मुझे तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा रहेगी। पिताजी और माता जी को चरण स्पर्श एवं फोटो को बहुत सारा प्यार। तुम्हारा अभिन्न जितेंद्र कुमार। या देखिए आप भाई के बड़े भाई के पत्र में लिख सकते विवाह के लिए, बहन के लिए उसमें लिख सकते हैं, है ना। तो आपको इस प्रकार से जैसे विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आता है औपचारिक पत्र अथवा कार्यालयी पत्र। जैसे पहले दिया है आपका नाम अनुभव है, आप शासकीय माध्यमिक शाला या उसमें कुंडल में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है और मतलब किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना की वजह से आप क्या है शाला में नहीं उपस्थित हो सकती, तो आपको क्या करना है 7 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रचार को आवेदन, यानी ये अवकाश आप किसको लिख रहे हैं प्रधानाचार्य। तो सेवा में प्रधानाचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुंडल जबलपुर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर विषय क्या आएगा 7 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। आप यहाँ पे संबोधन महोदय सविनय निवेदन है कि कल शाला से घर आते समय में क्या हो गई दुर्घटनाग्रस्त हो गई, सामने से आती कार के टकराने के कारण मुझे गंभीर चोट आ गई जिसकी वजह से मैं शाला में उपस्थित होने में असमर्थ। इसी में आप यदि दुर्घटनाग्रस्त नहीं तो यदि मैं आपको यदि कोई कोई रोग हो गया है आप बीमार हैं, है ना, तो उस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। तो उपस्थित होने में क्या हूँ असमर्थ हूँ, अतः मुझे दिनांक इतने दिनांक से इतने दिनांक तक का अवकाश देने, यानी जब से आपको छुट्टी चाहिए है और तक कब तक की छुट्टी चाहिए है ये अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद आपकी आज्ञाकारी शिष्य, है ना। टिप्पणी दिया है यहाँ पर अमिधा और आप कक्षा डालेंगे जो अनुप्रमाण को डालेंगे और दिनांक डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया 7 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र। फिर इसके बाद आता है प्रचार को चरित्र प्रमाण पत्र देने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिंगौर जबलपुर मध्य प्रदेश। अब यहाँ देखिए यहाँ विषय आएगा तो आपको किसके लिए चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए। महोदय सब नए निवेदन है कि मैं मतलब जो भी संघ है आपका आपके विद्यालय से मैंने 12वीं A कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँ। इस वर्ष मैंने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की है। मुझे महाविद्यालय के प्रथम में प्रवेश लेने हेतु क्या किस चीज की आवश्यकता है चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देकर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु किसको लिखा जाएगा जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र। देखिए जब परीक्षाओं का समय होता है और यदि आपके आसपास के क्षेत्र में आपके घर के आसपास कहीं बहुत ऐसे कोई लाउड स्पीकर वगैरह लगे होते हैं या कोई बहुत ज्यादा किसी चीजों की ध्वनि होती है तो उस पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश के प्रार्थना पत्र है जैसे प्रति जिलाधीश महोदय जबलपुर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए विषय आएगा किस चीज से संबंधित परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय विनम्र निवेदन है आजकल किस चीज की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज में क्या बजाया जाता लाउड स्पीकर बजते रहते हैं जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान क्या है व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारे समस्या का समाधान करने का कष्ट करेंगे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।
निवास प्राथमिकरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटन जबलपुर। और फिर आपको ये जो भी दिनांक को आप लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आता है विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रचार को प्राथमिक सेवा में प्रचार विवेक ज्योति उच्चतर माध्यमिक शाला या जो भी जिस भी आपका उसमें लिखना है वो आएगा। विषय आएगा, विषय में क्या आएगा जो दिया गया है खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था कराने बाबत, खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था कराने बाबत। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर महोदय प्रणम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद का पर्याप्त दो सामान उपलब्ध नहीं है। किस चीज का? खेलकूद का। इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खेलने का यथोचित सामान नहीं मिल पाता। इस कारण विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। खेलकूद के कालखंड में विद्यार्थी सामान न मिलने के कारण क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इससे उन्हें अनुशासनहीनता आ रही है तथा कई बार ये आपस में क्या होते हैं, लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस ओर तत्काल ध्यान दें और खेलकूद विभाग में खेलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें। हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। साधन निवास आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम है, छात्र संघ क्रीड़ा सचिव ग्यारहवीं बार और जो दिनांक उसमें आपको जिस दिन आप लिखेंगे पत्र उस दिन का। फिर है अपने प्रचार को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। किस चीज के लिए? छात्रवृत्ति के लिए। जैसे दिया है सेवा में प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर जबलपुर मध्य प्रदेश। अब विषय क्या आएगा? आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए आवेदन प्रेषित करने हेतु सूचना पत्र पर कल निकली सूचना के आधार पर मैं यह आवेदन पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। मैं कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। मैंने दसवीं कक्षा की परीक्षा 85% है ना अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति क्या है? ठीक नहीं है। वे एक प्राइवेट कार्यालय में क्या है मतलब किस पद पर है? चपरासी के पद पर है। किस पद पर है? चपरासी। की जो कुल आय है ₹70,000 वार्षिक आय। उनकी कुल आय कितनी है? ₹70,000 वार्षिक आय है। मेरा बड़ा भाई विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। इतनी कम आय में परिवार का जो खर्च है चलाने और हम दोनों की पढ़ाई कर रहे हो बहन करने में मेरे पिताजी को रात्रि कालीन मजदूरी भी करनी पड़ती है। अतः आपसे बिना निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कम कितनी ₹300 मासिक सहायता राशि प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम है, आपकी कक्षा ग्यारहवीं दिनांक जिस दिन जो भी दिनांक को आप पत्र आप इसके बाद है यहाँ पर डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र परीक्षा विभाग दिनांक 22 जुलाई जो भी आप उसमें लिख रहे हैं सेवा में स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश। विषय में क्या आएगा? डेंगू के बढ़ते प्रकोप से अवगत कराने के लिए पत्र। महोदय मैं आपका ध्यान लक्ष्मी नगर भोपाल में निरंतर बढ़ते हुए देखिए भोपाल लिखा है आपको इसमें कोई भी जो भी शहर है आप जरूर डाल सकते हैं। निरंतर बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। आप इस तथ्य से भली प्रकार अवगत हैं कि लगभग 20 दिनों से शहर में डेंगू का प्रकोप व्याप्त है। अतः लगभग 25 मौतें हो चुकी हैं, चारों तरफ इससे लोग भयभीत हैं। शहर में हर 10 व्यक्ति पर एक डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं। इसका कारण शहर में चारों तरफ क्या है? गंदगी और नालियों में भरा हुआ गंदा पानी। सड़कों के किनारे फैले हुए कचरे भी मच्छरों के पनपने में सहायक। सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के साथ ही
अस्पतालों में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। रोगियों को एक बार दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो लक्ष्मी नगर भोपाल के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, सफाई कर्मचारियों को तत्परता से काम करने का निर्देश दिया, आशा है आप समुचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद भरतिया, जो भी आपका नाम है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको लोगों को पत्र लेखन जो आ सकते हैं परीक्षाओं में, और भी पत्र लेखन है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे बिजली संकट से संबंधित है, चोरी की घटनाओं से संबंधित है, मोहल्ले में सफाई से संबंधित है ना, बहुत सारे 7 दिन का अवकाश का जैसे मैंने भी आपको बताया, तो आपको 5 दिन का अवकाश है, त्रिदिवसीय अवकाश है, 3 दिन का अवकाश है, जो भी आप, तो इस प्रकार पत्र लेखन जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आप परीक्षा के लिए तैयार करिए और पढ़ते रहिए।